नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आजसू पार्टी ने किया रांची लोकसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन आयोजित। आजसू सुप्रीमो ने कहा ग्राम प्रभारियों को दी नए जनादेश की जिम्मेदारी। उन्होंने कहा अच्छे कार्यकर्ता ही अच्छे नेता होते हैं। विकास शब्द और राज्य हित जेएमएम के शब्दकोश में नहीं है। झारखंड को उलझा कर रखना इनका पेशा। शासन और प्रशासन दोनों लूट और साझेदार बन गए हैं। ये साल झारखंड के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण। पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी इन हालात में बढ़ जाती है। हम समाज के सभी वर्गों के विचारों और भावनाओं के साथ काम करें। उक्त बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने नामकुम सिदरौल स्थित कव्वाली स्टेडियम में आयोजित रांची लोकसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन में कही। मौके पर रांची लोकसभा क्षेत्र के नव नियुक्त पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण की और पार्टी के नीति एवं सिद्धांतों को जन जन पहुंचाने का संकल्प लिया। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कथित तौर पर पेपर लीक को लेकर जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वह संवेदनशील और चिंताजनक है। मानो राज्य सरकार ने युवाओं का भविष्य बिगाड़ने का संकल्प ले रखा है। पहले एडमिट कार्ड के लिए अभ्यर्थी परेशान रहे। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता में विश्वास है कि आजसू राज्य में बेहतर वातावरण बना सकती है। राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए जिद की आवश्यकता है। कार्यकर्ता अपनी मेहनत से पार्टी के विचारों को राज्य के हर गांव हर घर तक पहुंचाने का कार्य करें। कार्यकर्ता आगे आकर अपनी जिम्मेदारी के तहत कार्य करें। ग्राम प्रभारियों को नए जनादेश की जिम्मेदारी देते हुए सुदेश महतो ने कहा कि ये चुनावी साल है, समय कम है। ऐसे में पार्टी की हर इकाई और हर कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जन आकांक्षाओं के अनुरूप और एनडीए को सशक्त बनाने के लिए काम करना होगा। इस मौके पर पार्टी के प्रधान महासचिव सह ईचागढ़ विधानसभा प्रभारी रामचंद्र हसीस ने कहा कि ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने और हर व्यक्ति के दुख सुख से जुड़ने के उद्देश्य से केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने पार्टी की मजबूत संरचना में ग्राम प्रभारी और चूल्हा प्रमुख को विशेष महत्व दिया है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जो सत्ता पर बैठे लोगों के समझ में नहीं आता, उनको उनके सोच पर छोड़कर हमें पार्टी को मजबूती प्रदान करते हुए लोगों की सेवा करनी होगी। सम्मेलन में रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय सदस्य, जिला कमेटी, जिला के सभी प्रखंड प्रभारी एवं रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी इकाइयों के प्रखंड अध्यक्ष, सचिव तथा पंचायत एवं ग्राम प्रभारी शामिल हुए। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से अखिल झारखंड बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष डोमन सिंह मुंडा, केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत, पार्टी के महासचिव सह गोमिया विधायक लंबोदर महतो, रांची जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला भगत, राजेंद्र मेहता, हरिलाल महतो, संजय रंजन, भारत कांशी, अशोक नाग, डॉक्टर सुधीर यादव, जितेंद्र सिंह, सतेंद्र सिंह, मोइन खान समेत अन्य पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सोना न्यूज के लिए रांची से बल्लू मुस्ता की रिपोर्ट। तैयारी ये कि नीचे स्तर पर एकदम ग्रामीण स्तर पर पार्टी के नेतृत्व तैयार करना और हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी। पार्टी ने अपने महाधिवेशन में लक्ष्य लिया था कि सभी गांवों में पार्टी के एक महिला और पुरुष यूपी लगने मतलब में काम करेंगे। रांची ने ये काम को पूरा किया और सभी पदाधिकारी आज यहाँ मंच में दिखे। उनका बहुत हुआ कि ऊपर आने वाले विधानसभा लोकसभा की तैयारी में सबको लगने का आह्वान किया। अच्छा, आप लोग हर एक, आपने कहा कि सभी कोई लीडर होंगे और हर कोई को प्रतिनिधि करना है, इसमें क्या मतलब, क्या तात्पर्य? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आशा में रहते हैं कि हमें चुनाव लड़ना है या फिर कुछ इस तरह की बातें होती हैं। केवल चुनाव लड़ने वाला ही लीडर हो या बेहतर मार्गदर्शक होगा, ये संभव नहीं। और अगर ऐसा होता तो आज ये परिस्थिति नहीं आती कि इतने सालों से चुनाव हो रहे हैं, लोग प्रतिनिधि बन के आ रहे हैं, सरकारों का गठन हो रहा है, बावजूद लोगों को लोगों की जो भावनाएँ हैं उसका अपमान हो रहा है, उसका हनन हो रहा है। क्योंकि उसके लिए ज़्यादा जरूरी होता है कि विषयों को जानना, क्योंकि विषय से कितना वो अपने को लगाव रखते हैं, राज्य और देश के प्रति उनका कितना प्रेम है, लोगों के काम के लिए कितनी रुचि रखते हैं, ये बहुत देखना है। और उसका पृष्ठभूमि भी देखना पड़ता है कि वो किसके लिए काम कर रहा है। आजकल ये भी देखा जाता है कि लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है, और वो कभी कभी ना लोग किसी दूसरे के लिए काम करना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा, सीटों को लेकर के कुछ समझौता हो गया क्या? क्योंकि आपने अभी जो भाषण दिया था कि हटिया को लेकर के कहा, टिगरी को लेकर के कहा, बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिसमें बीजेपी का ही दावा होता है। रांची जिला के अंदर जिस लोकसभा में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें हमारा सरायकेला जिला भी आ जाता है। तो हम लोग ने 6 विधानसभा की बात की, 6 विधानसभा में पार्टी मजबूत रहेगी तो पार्टी बेहतर साथ देगी, इसलिए पार्टी का मजबूत रहना ज़्यादा जरूरी है। आने वाले समय में विधानसभा में कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे वो बैठ के तय होगा। सर, इस तरह के जो कार्यक्रम हैं इससे आजसू गांव के छोटे छोटे कस्बों में कितनी मजबूत हो रही है? पार्टी कस्बों से आई है, रांची ग्रामीण क्षेत्र में 15 साल से प्रतिनिधित्व गांव का तो करते आई है। अब उसी को और बेहतर और मजबूत और उसमें लीडरशिप का भाव भरने की तैयारी चल रही है। सर, GPSC की परीक्षा अभी चल रही है और उससे पहले ही बहुत जगह से गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। इन्हें बोला कि राज्य की संपदा से लेकर ये छात्रों का भविष्य को भी ये
कहीं ना कहीं दांव में लगा दे रहे हैं। और इस तरह की घटनाएं जिस पर अंकुश नहीं है गवर्नमेंट का, पिछले बार भी आपने देखा जो विधानसभा में मैंने वर्तमान जो नए मुख्यमंत्री हैं उनके सामने और नए मुख्यमंत्री का पहला आश्वासन आया, आज तक कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। अगर ये ट्रेंड चलेगा तो ऐसी घटनाएं रोज घटेंगी। गैर जवाबदेह शासन, गैर जवाबदेह नेतृत्व का परिणाम यही देखने को मिलेगा। आज अंधकार भविष्य है यहाँ के नौजवानों का और उसी अंधकार में लोग कोशिश किए जा रहे हैं। अच्छा सर, गिरिडीह लोकसभा में आप लोग लड़ रहे हैं, वहाँ पर क्या जयराम महतो का कुछ चुनौती के तौर पर देख रहे हैं? क्योंकि वो भी मैं मेरी पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव लड़ने के लिए बहुत लोग आएंगे, बहुत सारे प्रत्याशी होंगे, बहुत लोगों की इच्छा चुनाव में रहती है, तो लोग चुनाव में आएंगे। किसी एक पर्टिकुलर किसी एक पार्टी के साथ हमारा ये संघर्ष या उसके साथ मेरा कोई कॉम्पिटिशन होने वाला नहीं है। वहाँ मूलतः तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो विपक्ष का दल है, कांग्रेस है, ये लोग आएंगे। जब आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे साथ, चूँकि पिछले बार भी रहे हैं, दिवंगत जो हमारे शिक्षा मंत्री थे वो हमारे साथ स्पर्धा में थे, तो लोग आएंगे। लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक बड़ी जीत हम लोग कर सकते हैं। तो गिरिडीह में इस बात की तैयारी है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज़ टीवी।